वेलकम टेक वेड गुरु, मैं आपका विकास आपको मैं चलने पर स्वागत करता हूँ। तो आईटीआई कोपा का प्रैक्टिकल जो आपका एमबी डिस्ट्रिक्ट का था और अलग डिस्ट्रिक्ट आपको छत्तीसगढ़ और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो आपके पेपर थे, करीब चार पांच डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पेपर आपके आए थे। तो ये जो पेपर सेट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आपके पास ये वाला पेपर सेट अवेलेबल, अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, किसी भी शहर से हो, तो आपके पास ये वाला पेपर सेट अवेलेबल हो, आप देख सकते हैं। इसमें कोड नंबर 242 है, 19AS2PNE लिखा होगा और 8 घंटे का टाइम मिला होगा, 250 नंबर प्रैक्टिकल है। तो ये अगर प्रैक्टिकल का पेपर आपके पास है, जिसमें पहला क्वेश्चन है MySQL डेटाबेस का और लास्ट का जो क्वेश्चन इसमें मिला था आपको आपका जो टैली का था, तो आपके पास अगर ये वाला पेपर है तो इसका सलूशन मैं करने जा रहा हूँ। तो पूरी वीडियो देखेगा तभी आपको समझ में आएगी। तो कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें ड्रॉप कर दिए, क्योंकि जैसे कि पहला क्वेश्चन है उसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपका MySQL का, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो इसको आपकी वीडियो बाद में मिल जाएगी, या फिर आप यूट्यूब पे या गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि 5 एम्प्लॉय की यहाँ पे पूछा गया, कम से कम 5 एम्प्लॉय की टेबल आपको तैयार करनी है। तो 5 एम्प्लॉय टेबल आप डाल दें, आपको वीडियो मिल जाएगी, और या फिर गूगल पर डाल देंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसका मैं सलूशन बाद में करूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी इसका सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, मैंने इंस्टॉल नहीं किया है। तो उसकी वीडियो आपको बाद में मिलेगी, बिना सॉफ्टवेयर के आपको समझ में नहीं आएगा। तो बाकी जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको सलूशन अभी कर दे रहा हूँ, सारे कोड आपको दे दूंगा, अपना क्वेश्चन मिला लें, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आपने जो कर दिया है वो तो आपका हो गया। तो इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि आपको आईटीआई कोपा रिलेटेड सारी जानकारी, पेपर का सोल्यूशन, सारी तैयारी आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। और वीडियो को शेयर कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें 7007659485 पे, जिससे कि आपको लेटेस्ट जानकारी, पेपर के सोल्यूशन, मॉक टेस्ट आपको मिलते रहे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर मेरे पास अवेलेबल नहीं है इस समय। तो पहला क्वेश्चन को आप बहुत ही सिंपल है, आपको बेसिकली MySQL पे जाना है और डेटाबेस आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी रहेगी, एम्प्लॉय के लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ रहेगी यहाँ पे, और सैलरी रहेगी, डेट ऑफ हायर कब उनको ज्वाइन करवाया गया था वो रहेगी, और सैलरी उनकी रहेगी। कम से कम 5 कर्मचारियों का नाम आपको डालने हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर में अल्टर कमांड का यूज करके आपको कॉलम बनाना है, और सैलरी कमांड का दर्शाना है आपको, और डेटा और टेबल डेटा को एम्प्लॉय लास्ट नेम के घटते हुए क्रम में आपको लिखता है। तो इस प्रकार से आपको उसको बनाना, काफी सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग इसमें करनी है। तो इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज किन्हीं 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए प्रोग्राम बनाइए। तो मैंने प्रोग्राम बनाया है इसके इसी को देखते हुए, तो मैंने 2 संख्याओं का बनाया, उसी प्रकार से आप 10 का बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका कोड बनेगा, काफी टाइम लगा इसको बनाने में, और इसका जो कोड मेरे पास तैयार हुआ है कुछ इस प्रकार से है, परसेंटेज का जो मैंने बनाया है। तो इस प्रकार से कुछ इसका कोड है, आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन पे, और इसको नोट कर सकते हैं, अपना मिला लें, और इसको जब रन कराएंगे फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इस प्रकार से काम करेगा। तो जब ये रन होगा तो कुछ इस प्रकार से होगा। नंबर टू 2 डिजिट का मैंने लिया है खाली यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई आपको 2 डिजिट इंटर करनी है, मान लीजिए आपने इंटर करी 25 और 35, 2 डिजिट आपने एंटर करी, सॉल्व पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका परसेंटेज आ गया इसका 40%। इसी प्रकार आपको 10 डिजिट का बोला गया है, तो आप 10 डिजिट का कोड में यहाँ पे चेंजमेंट कर लें, या अपने हिसाब से वैल्यू नंबर 1 या 2 कर लें, आगे ऐड करते जाएंगे तो 10 तक वैल्यू आप इसको ऐड कर लें, और फिर उसका आप निकालेंगे आउटपुट, तो 10 वैल्यू ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। उसी प्रकार से आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपको 10 वैल्यू का कैलकुलेशन वहां पे आ जाएगा। तो फॉर्मूला जरूर याद रखें, रिटर्न रहेगा num-1, उसी प्रकार से num-3, num-4, इस प्रकार से आप कैलकुलेट करते जाएं, और बाद में into 100+% लगा देंगे फॉर्मूला, तो ये इस प्रकार से आपका पूरा बन जाएगा। और मैंने बटन के रूप में बना दिया, जिससे कि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, इस प्रकार से जैसे कि बटन यहाँ पे बन के आ रही है, तो इससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होती है, तो इसलिए मैंने आपको और सरल कर दिया प्रोग्राम को। और इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, बाकी सेंटर, लेफ्ट, राइट, जहाँ भी आप करना चाहें वो उसको यहाँ से रख सकते हैं। तो कोड आपका है वो इस प्रकार से बनेगा आपका, जो मैंने बनाया है। बाकी आपने जो भी किया हो वहाँ पे वो आप अपने अनुसार किए होंगे, बाकी जो इसका आंसर बनेगा कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा यहाँ पे। लेकिन मैंने 2 डिजिट का लिया है अभी, आप यहाँ पे चाहें तो जितने डिजिट का बना सकते हैं। यहाँ पे 10 नंबर का पूछा गया है, तो आप परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको परसेंटेज मिलेगा। तो ये तो आपका हो गया सोल्यूशन नंबर सेकंड, जावास्क्रिप्ट में किन्हीं। इसका पेपर इंग्लिश में नहीं आया, हिंदी में आया आपका, जो भी आया जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट में आया है पेपर वाला, तो टोटल हिंदी मिला। ये क्वेश्चन आपका था, आप देख सकते हैं नंबर यहाँ पर नहीं डिवाइड किए गए कितने कितने नंबर का है, अदर डिस्ट्रिक्ट में आपको नंबर भी डिफाइन किए गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, विभिन्न प्रकार के पिक्चर क्लिप आर्ट सेस का प्रोग्राम करते हुए आपको इंटरनेट पर एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। तो विभिन्न प्रकार के पिक्चर आपको लेनी है, आप कोई पिक्चर ले सकते हैं, क्लिप आर्ट ले सकते हैं, उनका प्रयोग करके आपको इंटरनेट पर एक प्रेजेंटेशन आपको बनानी है, यानी कि आप वर्ड पे जाके, आप वर्ड पे कह रहे हैं, आपका पावर पॉइंट पे जाके आप प्रेजेंटेशन स्लाइड के रूप में इंटरनेट से सारी चीजें निकाल के
आपको बनाना था सिंपल सा, आप कर सकते हैं। क्लिप आर्ट आपको सभी मिलती है, तो पावर PNT पे जाएं और वहाँ पे जाके क्लिप आर्ट को ऑप्शन मिलता है, वहाँ से क्लिप आर्ट निकाले, उनका प्रेजेंटेशन बनाए, इंटरनेट से कुछ आर्ट निकाले, पिक्चर निकाले और उनका आपको प्रेजेंटेशन बनाना। तो ये तभी आप कर पाएंगे जब जहाँ पे आपको इंटरनेट वगैरह मिला होगा, तो आप इसका प्रयोग कर पाएंगे। तो काफ़ी जगह पे कंप्यूटर की सुविधा दी गई थी और क्लिप आर्ट यहाँ पे आपका होता है, यहाँ से आप इंटरनेट को ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे तो आपको इंटरनेट से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी, जितने भी इमेजेस होंगी वो मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको इमेज को ऐड कराना है और इनकी स्लाइड आपको बनानी है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ आपको, इस प्रकार से इसमें करना था सिंपल बेसिस पे। तो आप कर लिए होंगे, बेसिक सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, जिनको काफी लोगों को दिक्कत हुई होगी, नहीं बना पाए होंगे कोड, और इसमें करना कुछ नहीं है, TRDD टैग और कॉल स्पेन टैग का इस्तेमाल करना है सिर्फ। इसमें बेसिक सा प्रोग्राम है, बिल्कुल बेसिक सी HTML का कोड आया है। तो चलिए इसका भी मैंने कोड आपके लिए जनरेट कर दिया है। तो किस प्रकार से इसका कोड बनेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका कोड जो मैंने बनाया है यहाँ पे बनाया हुआ है, ये देखिए। तो इसको मैं जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखाई देगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वही चीज़ मैंने लिख दी जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके क्वेश्चन है, मेन हेडर है, डिटेल ऑफ स्टूडेंट है, उसके बाद ब्रांच है कंप्यूटर साइंस का, सेक्शन 1 सेक्शन 2, नेम एड्रेस आगरा, इस प्रकार से आपके पूरा टेबल बना हुआ है। तो वही मैंने इसको टेबल को आपको बना दिया है इसके कोड का। इसका कोड इस प्रकार से बनेगा और उसका कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसका मैंने ऑनलाइन एडिटर का यूज़ किया है क्योंकि उसमें फिर आपको सेव वगैरह नहीं करना होता है, आप डायरेक्टली यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये इसका कोड है पूरा जो बनेगा, इसको मैं कोड आपको दे दे रहा हूँ कॉपी करके, तो इसको आप नोट कर लें और अपने में आप इसको सेव कर सकते हैं। तो मैंने बनाया होगा कहीं ना कहीं पे रखा होगा, ये है कोड आपका, फिर से मैं कंट्रोल एन करके आपको सेव कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपका पूरा ये कोड बनेगा टेबल का, जो कि आपका ये वाला प्रोग्राम पूछा गया था HTML का। तो इसका कोड आपका ये तैयार हो गया, इस प्रकार से आपका इसका बनेगा। इसको आप सेव कर लें और इसको फिर आप बना लें। तो वीडियो को पॉज कर लें, नोट कर लें, उसके बाद बना कर देखें। सिंपल सा प्रोग्राम है, सिर्फ TRTD और रो स्पैन का इसमें यूज़ किया गया और कॉल स्पैन का, दो उसमें तीन कोड लगे हैं, बाकी आपका पूरा प्रोग्राम उसी पे करते हैं। तो ऐसा करते हैं, आपको समझ में आ गया, वो सिंपल सा कोड है, आप इसको नोट कर लें वीडियो को पॉज करके और अपने कंप्यूटर में बना कर इसको तैयार करें, क्योंकि बाद में आपका काम आएगा। आगे चलते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका पूछा गया था, बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है, सिंपल सा क्या है आपका कौन, इसमें आपसे ऑप्शनल थे या तो आपको टैली वाला करना, तो मैं टैली वाला क्वेश्चन नहीं ले रहा क्योंकि मेरा टैली का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। और VBA में फारेनहाइट का मान आपको निकालना था, VBA में आपको कैलकुलेशन करना था फारेनहाइट को कैलकुलेशन सेल्सियस में। तो इसका ही मैंने आपको कल वाली वीडियो एक और बनाई थी, उसमें आपको प्रोग्राम बताया, लेकिन फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इसका जो प्रोग्राम है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये मैंने बना दिया प्रोग्राम, अब यहाँ पे फारेनहाइट है और ये सेल्सियस और फारेनहाइट, तो यहाँ कोई वैल्यू आप इंटर करते हैं, मान लिया आपको सेल्सियस में निकालनी है, सेल्सियस में क्लिक करेंगे तो उसकी फारेनहाइट वैल्यू आएगी 77 और फारेनहाइट सेल्सियस में निकालेंगे तो उसकी सेल्सियस वैल्यू आएगी -385। और ये क्लियर लगा दिया, क्लियर करने और ये एग्री बटन लगा दिए, तो आप अपने अनुसार लगा सकते हैं। तो इसको डिजाइन किस प्रकार से करना, पहले फॉर्म पर चलते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने टेक्स्ट लिया है, बाकी 4 बटन कमांड लिए हैं और नी के अंदर आपकी प्रोग्रामिंग है CF पे और F2OC पे। तो जैसे कि आपका जो हो गया 2 कमांड बटन है, तो क्लियर वाले पे आपको सिंपल सा text1 इक्वल टू टेक डबल इन्वर्टेड कॉमा कर दिया, एग्जिट में एंड डाल दिया, और आपका जो सेल्सियस वाली बटन है उस पर f = 1 × 8 × वेरिएबल आएगा, वैल्यू जो आएगी आपकी text1 × text + 32, और मैसेज बॉक्स में आपका प्रिंट हो जाएगा सेल्सियस टू फारेनहाइट, इस जो भी आपकी वैल्यू आएगी फारेनहाइट में आएगी। और उसके बाद आपका f = इस प्रकार से -32 कर देंगे यहाँ पे और × 0.55, जो उसका फॉर्मूला होता है वही मैंने लगा दिया फारेनहाइट का। उसके बाद मैसेज बॉक्स है farnet2 celsius = f। तो ये आपको पूरा कोडिंग लिखनी है, एक आपको कोड लगानी है इसमें और एक इसमें लगानी है, सभी में लगे कोड, लेकिन इसमें जो लगेगा वही ये लगेगा कोड सिर्फ सिंपल सा, और ये वाली बटन में जो कोड लगाना है आपको वो आपका ये कोड लगेगा। तो ये नोट कर लें, और इसमें कौन सा कोड लगाया, text = 1, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जैसे कि आपको दिक्कत ना हो, इसके अंदर सिर्फ लिखना एंड। तो इतना आपको कोड बेसिकली लिखना है और इसके अंदर कोई कोड नहीं लिखना, ये आपका सिंपल रहेगा। तो इतना आपको कोड लिखना है, इसका रन करेंगे तो जो भी वैल्यू आप एंटर करेंगे वो आपको इस प्रकार से प्रिंट होकर आ जाएगी। तो ऐसा करते हैं, आपको समझ में आ गया, वो सिंपल सा कोड है इसका भी। तो ये भी मैंने आपको बना दिया VBA में, आपका विजुअल बेसिक एप्लीकेशन में, फारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्टर। तो ये आपका प्रोग्राम था सिंपल सा।
तो ये भी जिन लोगों का पेपर है वो अपना देख ले, मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, ये आपका मैंने हटा दिया क्योंकि और को ऑप्शन है तो मैंने उसको सोल्यूशन नहीं किया, बाकी इसमें लगभग 2, 3, 4 मैंने सबका दिया, ये वाला क्वेश्चन आपका रोक दिया। तो नेक्स्ट पेपर एक और मिला हुआ है, ये पेपर के अलावा एक सेंटर का पेपर और मेरे पास अवेलेबल है, उसको भी देख लेते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से आया था, ये किसी अदर डिस्ट्रिक्ट का है, तो जिनके पास ये वाला पेपर अवेलेबल है वो अपना मिला लें इस पेपर से। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपका था सिंपल सा, क्रिएट योर रिज्यूम बनाना है एमएस वर्ड पे यूजिंग डिफरेंट राइटिंग। तो एमएस वर्ड को सिंपल सा आप ओपन कर लें और उसमें रिज्यूम आपको बेसिकली तैयार करना है, तो रिज्यूम का डेटा आप बना लें कहीं से भी निकाल लें, इंटरनेट से निकाल लें चाहे तो आप। रिज्यूम फॉर्मेट आप निकाल लें डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में और उसको एडिट कर लें, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार से इसको करना है। तो बहुत ही ईजी है ये, सिंपल सा आपको काम इसमें करना है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, सिर्फ उसमें सेटिंग आपको चेंजमेंट करनी है, जो जो उसमें सेटिंग आपकी पूछी गई है वो उसको आपको चेंजमेंट कर देना है। तो अभी देख लेते हैं, कोई एक टेम्पलेट निकाल लेते हैं। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया एक रिज्यूम नेट से, इसमें डिटेल है, उस पर आप कुछ भी कॉल वगैरह ना करिएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से है, तो ये रिज्यूम आपका होगा इस प्रकार से। अब इसमें आपको क्या क्या करना है, जो उन्होंने कहा है उसके अनुसार आपको करना है। फॉन्ट का जो साइज रहेगा 12 रहेगा, फॉन्ट रहेगा एरियल रहेगा, लाइन शेपिंग 2 रहेगी और बोल्ड और हेडिंग रहेगी। तो सबको आपको सिलेक्ट करना है और इनका जो साइज रहेगा वो 12 कर दें इस प्रकार से, और जो रहेगा एरियल रहेगा आपका, एरियल आपने कर दिया, और आपको करना है बोल्ड, तो बोल्ड आपने कर दिया, और आपको क्या करना है इसमें, बोल्ड नहीं करना है, हाँ बोल्ड करना है, बोल्ड और इटैलिक करना है, और लाइन शेपिंग आपकी जो रहेगी वो रहेगी 2, लाइन शेपिंग आपकी रहेगी 1 पॉइंट, लाइन शेपिंग 2 दी गई। तो इतना आपको करना था, ये आपका रिज्यूम में बना के एक इस प्रकार से चेंजमेंट आपको करना। तो पहला क्वेश्चन आपका 50 नंबर का इसी में था, उसके बाद आपका क्रिएट ए पावर पॉइंट योर आईटीआई कॉलेज का नाम डालना था और उसकी स्लाइड के बारे में आपको बनाना था। इससे पहले वीडियो मैंने बनाई, आप उसमें देख सकते हैं किस प्रकार से स्लाइड का बनाना है। उसके राइट है जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन वैल्यू इवन और ऑड, इवन और ऑड का बनाना है। और उसके बाद ये आपका है वैल्यू टू कन्वर्ट टेम्परेचर, तो ये भी वही आपका फाइनाइट वाला है, यहाँ पे क्वेश्चन आया है तो ऑलरेडी मैंने बना दिया है आपका फाइनाइट वाला, ये जो आपका है टेम्परेचर वाला प्रोग्राम, आप इसको देख सकते हैं वही इसका आंसर होगा। और इसमें आपका है स्क्रिप्ट टू चेक इवन और ऑड नंबर, तो इवन ऑड का प्रोग्राम मैं बता दे रहा हूँ आपको, तो ये आपका इवन और ऑड का प्रोग्राम मैंने बनाया है इस प्रकार से। तो इसमें कोई वैल्यू इनपुट करेंगे तो आपको बता देगा वो वैल्यू इवन है कि ऑड है, तो उसको आप पहले नोट कर लें इस कोड को, जो भी इवन ऑड वाला प्रोग्राम जिनके में आया है उसको रन करा के अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको रन करेंगे, अब यहाँ पे पूछेगा एंटर इन नंबर, तो मान लीजिए आपने 5 इनपुट किया तो क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ऑड नंबर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मैंने अपने प्रकार अनुसार इसको कोड डिजाइन किया है इवन नंबर, तो वैल्यू आप जो भी इनपुट करेंगे, 11 इनपुट करेंगे तो आपको ऑड मिल जाएगा और 12 इनपुट करेंगे तो आपको इवन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने इसको डिजाइन किया है अपने अनुसार, आप अपने अनुसार इसको डिजाइन कर सकते हैं किसी भी अनुसार। तो ये आपका प्रोग्राम था क्वेश्चन नंबर 3, और एक आपका 4 नंबर आया, बाकी इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, 100 नंबर का आपको ये कन्वर्टिंग वाला है। तो मैंने 100 नंबर का क्वेश्चन आपको हल करा दिया, 100 नंबर का क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना ही करना है, सिंपल सा प्रोग्राम। और 3 नंबर का जो मैंने आपको बता दिया इवन आउट का प्रोग्राम, वो इस प्रकार से बनेगा, इसको नोट कर लें, इवन इनपुट का प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है, वीडियो का पॉज कर लें, सारा कोड नोट कर लें, मैं लिखूंगा नहीं बार बार, वीडियो आपकी लंबी होगी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे, सारे मैंने पेपर सोल्यूशन कर दिया, 2 पेपर सेट मैंने सॉल्व कर दिए हैं 2 डिस्ट्रिक्ट के, एक आपका ये हो गया, इसके सारे प्रोग्राम बता दिए और एक पेपर ये हो गया। तो सिंपल सा पेपर है, सारे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पेपर आए हैं, पेपर मुझसे कोई मांगेगा नहीं, पेपर मैं सारे पेपर जब हो जाएंगे उसके बाद मैं वेबसाइट पर सारे पेपर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मैंने सारे सोल्यूशन आपको कर दिए हैं। अभी आपको कोई पेपर सेट बचा हो तो मुझको मेल कर सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।